हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अलवेज विनर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान के बीच जो T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा, इस मैच की डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इस मैच में आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहिए, ये तो मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन इन्वेस्टमेंट आपको किस ऐप पे करना चाहिए ये पता होना चाहिए। ऐसे ऐप जहाँ पे कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा लो होता है, आपके विनिंग के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। हम दोस्तों बात करें माई एलेवन सर्कल ऐप के बारे में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको SUV कार जीतने का डेली मौका मिलता है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे 20% एक्स्ट्रा कैश मिलता है फर्स्ट डिपॉजिट पे। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1500 रुपये का वेलकम बोनस कोई भी ऐप नहीं देती, सिर्फ माई एलेवन सर्कल ऐप ही देती है। और बता है दोस्तों, मेरा जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो माई एलेवन सर्कल ऐप पे होने वाला है। यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा बहुत लो होता है, इसलिए जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। माई एलेवन सर्कल ऐप की जो लिंक है दोस्तों, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। साथ ही साथ आप जाएंगे, फर्स्ट कमेंट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने माई एलेवन सर्कल ऐप की लिंक ओपन होगी। दोस्तों, लिंक पे क्लिक करके माई एलेवन सर्कल ऐप को आपको इंस्टॉल कर देना है। इसी ऐप पे आपको प्ले करना चाहिए 2-3 मेंबर्स, और आज का मैच रिस्की होगा। तो माई एलेवन सर्कल ऐप पे लो कॉम्पिटिशन होने की वजह से हम यहाँ पे विन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल की, तो हमेशा की तरह टेलीग्राम चैनल की लिंक कमेंट सेक्शन में दी है। आप जाएंगे, फर्स्ट कमेंट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने माई एलेवन सर्कल ऐप की लिंक ओपन होगी। और माई एलेवन सर्कल ऐप के नीचे आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, लिंक पे क्लिक कीजिए और सीधा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे दोस्तों, इस मैच में आपको बेसिकली इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट के लिए मैच काफ़ी ज़्यादा बुरा होने वाला है, इसलिए आपसे कहूंगा कि इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना भी है तो इन्वेस्टमेंट आपको मीडियम करना है, या फिर अपने हिसाब से आप लो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों मेरा जो फोकस होने वाला है इस मैच में, वो मेरा फोकस होगा यहाँ पे ग्रैंड लीग पे या फिर मेगा लीग पे। और मेगा लीग का वीडियो जल्दी आएगा, उस वीडियो को आपको देखना इंपॉर्टेंट होगा अगर आप मेगा लीग प्ले कर रहे तो इस मैच की अगर बात करेंगे, आपको इन्वेस्टमेंट करना है 2-3 मेंबर्स में, 4 मेंबर्स पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना, मैच काफ़ी ज़्यादा रिस्की होने वाला है। फिर भी दोस्तों, हम हमेशा की तरह जो टीम बनाएगी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली, क्योंकि हम करने वाले क्या है, हम यहाँ पे 10 प्लेयर दोस्तों सेफ लेंगे, लेकिन हमें एक प्लेयर पे रिस्क लेना होगा जो दोस्तों हमें क्लीन स्वीप करा सकते हैं। दोस्तों आज का कौन सा वो प्लेयर होगा जो हमें क्लीन स्वीप करा सकता है, अब जो टीम बनाएंगे वो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। दोस्तों टीम की बात अगर करेंगे तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि पिच पे कौन से पिच पे ये मैच खेला जाएगा। और उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो आप देख सकते हैं, वेन्यू की अगर बात करेंगे तो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड होगा, 1:30 पे मैच स्टार्ट होगा। दोस्तों आपको 1 बजे ऑनलाइन रहना होगा। पिच रिपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ी पिच रिपोर्ट दिखाई गई है, लेकिन मैं आपसे ये नहीं कहना चाहता। देखिए पिच रिपोर्ट की अगर बात करेंगे सिंपली, तो ये जो पिच है ये बैटिंग पिच है, जहाँ पे बैट्समैन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। ऐसे में दोस्तों बेनिफिशियल ये होगा कि हमें 5 बॉलर को लेना चाहिए या फिर 4 बैट्समैन को लेना चाहिए, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि देखा जाए दोस्तों, बॉलिंग सेक्शन में आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत आने वाली समझने के लिए कि किस बॉलर को हमें ड्रॉप करना चाहिए, किस बॉलर को लेना चाहिए, कौन सा बॉलर कितने पॉइंट दे सकते, कौन ओपनिंग में आएगा, कौन डेथ में आएगा। तो ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ, आपके मन में कुछ भी कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। अब अगर पिच रिपोर्ट देखना है तो मैं लास्ट के कुछ मैचेस की बात करनी होगी। देखिए लास्ट के 3 मैचेस हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक है। अब लास्ट के जो 3 मैचेस खेले गए, यहाँ पे हम एवरेज स्कोर की बात अगर करेंगे, मैं आपको सभी मैचेस का एवरेज स्कोर बता देता हूँ। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन मैं आपको टॉप क्लास की प्रोवाइड करने वाला हूँ। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 200 का स्कोर बना है, यहाँ पे देखा जाए तो 205 का स्कोर बना है, यहाँ पे अगर देखा जाए तकरीबन 180 पकड़ लेते हैं, यहाँ पे 170 पकड़ लेते हैं, यहाँ पे अगर देखा जाए 185 है, यहाँ पे अगर देखा जाए 141 है। लास्ट के ये जो मैचेस खेले गए दोस्तों 5 मैचेस, तो यहाँ पे हमने देखा कि 170 प्लस का स्कोर बना है लास्ट के 5वें मैचेस में। लेकिन ये जो मैच खेला गया था श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड, तो यहाँ पे देखा जाए इस मैच में सिर्फ 141 का स्कोर बना है। तो मुझे लगता है एवरेज जो स्कोर है यहाँ पे 170 प्लस का स्कोर बनेगा। और अगर विकेट जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप देख सकते हैं विकेट कितना जा रहे हैं, यहाँ पे देखा जाए सिर्फ 3 विकेट, यहाँ पे देखा जाए फर्स्ट इनिंग में 5 विकेट, यहाँ पे 2 विकेट, यहाँ पे फिर देखा जाए 7 विकेट, यहाँ पे देखा जाए 9 विकेट, यहाँ पे देखा जाए 8 विकेट। ये जो 3 मैचेस हुए हैं, तीनों ही मैचेस में फर्स्ट इनिंग में विकेट भी गए और स्कोर भी बना। लेकिन मुझे लगता है कि 170 का अगर स्कोर बनेगा फर्स्ट इनिंग में, तो आपको तकरीबन 6 से लेकर 7 विकेट देखने को मिलेगा और बैट्समैन को सपोर्ट मिलेगा। बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 5 मैचेस, और जो टीम पहले बैटिंग करने का डिसीजन लेती है उनके बैट्समैन को सपोर्ट मिलता है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो टीम पहले बैटिंग करती है उसी टीम को यहाँ पे आप देख सकते हैं विनिंग की है। और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने, आप देख सकते हैं सिर्फ ये मैच जो है बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने विन किया, जो कि इंग्लैंड ने विन किया। लेकिन ये 5ों ही मैचेस जिस टीम ने बैटिंग फर्स्ट किया है उसने विन किया है। दोस्तों अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं पेसर वर्सेस स्पिनर की बात करेंगे तो पेसर को 52 विकेट मिले, स्पिनर को सिर्फ 31 विकेट मिले। लेकिन दोस्तों ये बात नहीं है कि स्पिनर को सपोर्ट नहीं मिलेगा, शादाब खान है, मिचेल सैंटनर है, जस्ट अगर देखा जाए तो ये दोनों ही प्लेयर ऐसे हैं जो विकेट निकाल सकते हैं, दोनों ही स्पिनर है। तो मुझे लगता है कि पेसर को जितना सपोर्ट मिलेगा स्पिनर को भी इस मैच में उतना ही सपोर्ट मिलेगा। लेकिन पेसर की बात अगर करेंगे, पेसर पूरे के पूरे मैच की अगर बात करेंगे तो 10 विकेट निकालेंगे, तो स्पिनर की बात करेंगे सिर्फ 4 से लेकर 5 विकेट ही निकाल सकते हैं। ओवरऑल मैचेस की बात करेंगे, 16 में से बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 10 मैचेस जीते, और यहाँ पे बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने 6 मैचेस जीते।
और जो भी टीम पहले टॉस जीतेंगे मेरे हिसाब से बैटिंग करने का डिसीजन ले सकती है। हाइस्ट स्कोर की बात करेंगे तो साउथ अफ्रीका का हाइस्ट स्कोर है 205 का, मतलब इस पिच पे 200 तक का स्कोर बन सकता है। और अगर किसी टीम का बैटिंग लाना फ्लॉप होता है तो फिर यहाँ पे जो है वो आपको 150 के अंदर टीम ऑल आउट होते हुए भी नजर आ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो स्कोर बनता है आप देख सकते हैं 190 के ऊपर स्कोर बनता है, लेकिन मुझे लगता है 170 या फिर 180 के बीच में स्कोर बनना चाहिए इस पिच पे। टीम न्यूज़ की बात करेंगे तो दोनों ही टीमों की तरफ से कोई न्यूज़ निकल के नहीं आई, और मुझे लगता है दोस्तों कि दोनों ही टीमें जो है सेम रहने वाली है, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अगर कुछ चेंजेस होता है तो हमें टॉस के बाद 100% कन्फर्म पता चल जाएगा। अब बैट्समैन और बॉलर की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं न्यूजीलैंड की तरफ से अगर बात करेंगे तो ईश सूरी है, लॉकी फर्ग्यूसन, ट्रेंट बोल्ट, टीम सऊदी, मिचेल सैंटनर। दोस्तों ये पाँच मतलब बॉलर ऐसे हो गए, मिचेल सैंटनर जो कि ऑलराउंडर है, जो पूरे 4 ओवर कंप्लीट करके 20 ओवर कंप्लीट करेंगे। अदरवाइज मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि इनमें से कोई बॉलर या फिर ऑलराउंडर जो कि मिचेल सैंटनर है एक ओवर कम करता है या फिर दो ओवर कम करते तो फिर यहाँ पे जेमी निशम बॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन लास्ट के मैचेस में जेमी निशम ने बॉलिंग नहीं की थी। पाकिस्तान की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं मोहम्मद वासिम, हरीश राव, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद वासिम, ये 4 बॉलर ऐसे जो पूरे 4-4 ओवर कंप्लीट करके 16 ओवर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद दोस्तों अगर बात करेंगे तो हमारे पास शदाब खान है और यहाँ पे देखा जाए मोहम्मद नवाज, ये 2-2 ओवर कंप्लीट कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि शदाब खान को अगर विकेट मिलती है और शदाब खान विकेट निकाल रहे तो ऐसे में शदाब खान 3 ओवर कंप्लीट कर सकते हैं, मोहम्मद नवाज सिर्फ 1 ही ओवर कंप्लीट कम कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि इन में से कोई बॉलर ऐसा होगा जो सिर्फ 3 ओवर कंप्लीट करेगा, पूरे 4 ओवर कंप्लीट नहीं करेगा, तो ऐसे में 1 ओवर फिर प्लस हो जाएगा यहाँ पे मोहम्मद नवाज के खाते में और मोहम्मद नवाज 2 ओवर कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करेंगे स्कोर कार्ड की तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, अगर आपको निकालना है तो पाकिस्तान का भी आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों ये मैच काफ़ी ज़्यादा रिस्की होगा, इसलिए मैं कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट आपको सोच समझ के करना चाहिए। अब बात अगर करें दोस्तों विकेट कीपर सेक्शन की तो हम चलेंगे ऐप पे और देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में हमारे पास कितने ऑप्शन अवेलेबल है। सबसे पहले बात करेंगे कोनवे है, उसके बाद देखा जाए मोहम्मद रिजवान है, उसके बाद फिर नैलन है, और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों मोहम्मद हैरिस है। अब दोस्तों हमें सोच समझ के यहाँ पे टीम बनाना है। देवन कॉनवे की बात करेंगे जो कि ओपन करेंगे, मोहम्मद रिजवान ओपन करेंगे, अब फिन एलन की बात करेंगे ये भी ओपन करेंगे, और मोहम्मद हैरिस की बात करेंगे थर्ड नंबर पे। तो यहाँ पे कहने वाली बात क्या है कि अगर बैट्समैन को सपोर्ट कर रहा है पिच तो हमें ये देखना होगा कि बैट्समैन को फर्स्ट इनिंग में सपोर्ट मिल रहा है फिर सेकंड इनिंग में, तो ऑब्वियसली यहाँ पे फर्स्ट इनिंग में बैट्समैन को सपोर्ट मिलेगा। तो मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे न्यूजीलैंड की टीम बैटिंग करने का डिसीजन लेते हैं तो देवन कॉनवे चल सकते हैं, और मोहम्मद रिजवान की बात करेंगे तो ये भी सेकंड इनिंग में भी चल सकते हैं। अब यहाँ पे बात आएंगे हम इन दोनों को पिक करेंगे कि हमें थर्ड ऑप्शन पिक करना चाहिए। देखिए अगर आप थर्ड ऑप्शन पिक करोगे तो आपको बता दूं कि ऑलराउंडर सेक्शन से आपको किसी एक ही ऑलराउंडर को पिक करना होगा, मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, अगर हमने यहां पे विकेट कीपर सेक्शन से मोहम्मद हैरिस को पिक किया, अब मोहम्मद हैरिस की अगर बात करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पे दोनों ही मैचेस में 25 प्लस की पारी खेली, मतलब हमें ज्यादा से ज्यादा पॉइंट दिए हैं टीम्स में, तो यहां पे मोहम्मद हैरिस को पिक किया। अब बैटिंग सेक्शन में हम यहां पे तीनों को पिक करेंगे, इफ्तिकार अहमद को, यहां पे देखा जाए हमने ऑलराउंडर को पिक किया है। ठीक है, अब हम दो ऑलराउंडर को भी पिक करेंगे तो बॉलिंग सेक्शन में हमें सिर्फ 3 बॉलर को पिक करना पड़ेगा, तो हरीश लव को ड्रॉप करना तो काफी ज्यादा रिस्की होगा, इसलिए हम हरीश लव को ड्रॉप नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों हम बेसिकली क्या करने वाले, बेसिकली हम दोस्तों यहां पे दो ही विकेट कीपर को लेंगे। देखिए मोहम्मद हैरिस एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं स्मॉली के लिए, लेकिन अगर आप रिस्क लेना पसंद करते हैं तो ही आपको मोहम्मद हैरिस को पिक करना है, अदरवाइज इनको ड्रॉप करना है। फिन एलन की बात करेंगे तो लास्ट के कुछ मैचेस में फिन एलन का उतना अच्छा फॉर्म नहीं चल रहा है, अगर हम देखेंगे नहीं फॉर्म तो चल रहा है, मेरे हिसाब से 42 रन की पारी खेल चुके यहाँ पे देखा जाए 1 रन बनाया था, उसके बाद 16 रन लास्ट मैच 32 रन की पारी खेली थी, तो इन्होंने अच्छा यहाँ पे पॉइंट्स दिए थे। तो हमारे पास ये मैच काफ़ी ज़्यादा रिस्की होगा, कंफ्यूजिंग वाला होगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेफ प्लेयर के साथ ही जाना है, सिर्फ एक प्लेयर पे रिस्क लेना है, बाकी कुछ ज़्यादा रिस्क लेना ही नहीं है, कैप्टन वाइस कैप्टन पे हम रिस्क ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे फिन एलन को ड्रॉप करेंगे और मोहम्मद हैरिस इन दोनों को ड्रॉप करेंगे। अब बैटिंग सेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा, लेकिन कंफ्यूजन मैं आपका इजीली क्लियर कर देता हूँ। ग्लेन फिलिप्स की बात करेंगे फोर्थ नंबर पे आएंगे, केन विलियमसन थर्ड नंबर पे आएंगे, उसके बाद इफ्तिकार अहमद की बात करेंगे फिफ्थ नंबर पे आएंगे, बाबर आजम ओपन करेंगे, शान मसूद फोर्थ नंबर पे आएंगे, डेरी मिचेल की बात करेंगे दोस्तों फिफ्थ नंबर पे आएंगे। अब मेरे हिसाब से मुझे लगता है ग्लेन फिलिप्स और केन विलियमसन को लेना चाहिए, अब इफ्तिकार अहमद को लेना चाहिए या फिर बाबर आजम को लेना चाहिए, दोनों में कन्फ्यूजन होगा, लेकिन कन्फ्यूजन आपका मैं सिंपल तरीके से क्लियर कर देता हूँ, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप ये सोच रहे दोस्तों कि बाबर आजम लास्ट के मैचेस में 0 फिर 4 फिर 4 और 6, ठीक है, चारों ही मैचेस में फ्लॉप हुए, मतलब 10 रन के ऊपर स्कोर नहीं बनाया, लास्ट मैच जो खेला था लास्ट मैच में 25 रन की पारी खेली थी। अब दोस्तों यहाँ पे दो चीज़ें होगी, एक देखिए यहाँ पे बाबर आजम का जो सिलेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ 44% लोगों ने लिया अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तब, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो मोहम्मद रिजवान का जो सिलेक्शन है तकरीबन 65% लोगों ने पिक किया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोहम्मद रिजवान को पिक करेंगे, क्योंकि मोहम्मद रिजवान का जो यहाँ पे प्रदर्शन है वो ठीक ठाक रहा है, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे मोहम्मद रिजवान की बात करेंगे 49-32 रन की इन्होंने दो बड़ी पारियाँ खेल चुके,
लेकिन बाबर आजम को उतना ज़्यादा लोग टीम में नहीं ट्राई करने वाले, तो मुझे लगता है कि बाबर आजम को ट्राई करना चाहिए। अगर ये चल गए तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। अब कंपैरिजन करेंगे इफ्तिकार अहमद से, आप देख सकते हैं इफ्तिकार अहमद पहले मैच में 51 रन की पारी खेली थी, उसके बाद दोनों मैचेस में फ्लॉप, उसके बाद फिर 51 रन की पारी खेली, लास्ट मैच में देखा जाए तो फिर फ्लॉप हुए। आप कहेंगे कि फ्लॉप कैसे हुए, एक विकेट तो निकाला। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने एक रन बनाया लेकिन एक विकेट इनको लग बाय चांस मिल गया, और ये जो बॉलिंग ऑप्शन हो गया ये सिक्स्थ बॉलिंग ऑप्शन हो गया, फिर सेवन्थ बॉलिंग ऑप्शन हो गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ दो ओवर कंप्लीट कर सकते हैं, और देखा जाए तो ये मेन बॉलर नहीं है इफ्तिकार अहमद, तो हम इफ्तिकार अहमद को ड्रॉप करेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर बैट्समैन को सपोर्ट मिलेगा, पाकिस्तान की टीम पहले बॉलिंग करने का डिसीजन बैटिंग करने का डिसीजन लेगी, तो एक तो बाबर आजम या फिर मोहम्मद रिजवान, इन दोनों में से कोई एक अच्छी पारी खेल सकता है। हो सकता है कि इस मैच में मोहम्मद रिजवान ना चले और बाबर आजम चल जाए। अब देखिए दोस्तों नीचे में अगर बात करेंगे तो शान मसूद भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। देखिए दोनों के मैचेस, पहले के दो मैचेस में अच्छा प्रदर्शन किया, उसके बाद यहाँ पे 12 रन 2 रन और यहाँ पे लास्ट मैच में 24 रन की पारी खेली, तो अगर आप थोड़ा बहुत और रिस्क लेना चाहते हैं तो बाबर आजम की जगह पे, जैसे कि आपको लगता है कि बाबर आजम का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं है और शायद नहीं प्ले करेंगे इस मैच में, स्कोर नहीं करेंगे, तो फिर आप शान मसूद को भी पिक कर सकते हैं। और डेरी मिचल की बात करेंगे तो स्मॉल लीग के लिए मेरे हिसाब से अच्छा ऑप्शन नहीं होगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नीचे बैटिंग फिफ्थ नंबर पर आते हैं, तो हम यहाँ पे इनको ड्रॉप करने वाले हैं। अब बात अगर करेंगे दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन में हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है, शादाब खान की बात करेंगे सिक्स नंबर पे आएंगे, मिचेल सैंटन सेवन नंबर पे आएंगे, मोहम्मद नवाज सेवन्थ नंबर पे आएंगे, और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों जेमी निशम जो कि सिक्स नंबर पे आएंगे। तो मुझे लगता है दोस्तों जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन होगी शादाब खान मिचेल सैंटन, दोनों को भी ड्रॉप नहीं करना चाहिए, दोनों ही स्पिनर है। अब देखिए शादाब खान की अगर बात करेंगे तो आप देख सकते हैं शादाब खान अगर सिक्स नंबर पे आएंगे तो ये बैटिंग प्लस बॉलिंग से पॉइंट के लास्ट मैच 0 पे तो आउट हुए थे लेकिन दो विकेट निकाले, तो विकेट की अगर बात करेंगे तो तीन विकेट दो विकेट कंटिन्यूसली विकेट निकाले, और इस पिच की अगर बात करेंगे तो स्पिनर को सपोर्ट मिलेगा। ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पे 5 रन 17 रन 4 रन और यहाँ पे 52 रन की पारी खेली, इस मैच में अगर शादाब खान 25 रन की पारी खेल देते और दो विकेट भी निकाल देते तो कैप्टन के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। मिचेल सैंटन की बात करेंगे तो यहाँ पे 3 विकेट फिर 11 रन फिर 16 रन फिर यहाँ पे 0 रन, तो मिचेल सैंटन बैटिंग से पॉइंट देके कंफर्म नहीं है लेकिन विकेट निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं 3 विकेट 2 विकेट फिर 1 विकेट 2 विकेट, लास्ट मैच में भी इन्होंने 2 विकेट निकाले थे और शादाब खान ने भी 2 विकेट निकाले थे, दोनों ही ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। अब दोस्तों अगर मोहम्मद नवाज की बात करेंगे तो मोहम्मद नवाज की जगह पे हम हरीश लव को पिक करने वाले हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मोहम्मद नवाज बैटिंग से पॉइंट दे सकते हैं प्लस बॉलिंग से भी पॉइंट दे सकते, लेकिन इन्होंने कुछ खास नहीं किया, लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं की थी और यहाँ पे देखा जाए एक दो यहाँ पे दोनों ही मैचेस में विकेट नहीं, फर्स्ट मैच में विकेट निकाला था। देखिए मोहम्मद नवाज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्पिनर है लेकिन हम शादाब खान से कंपेरिजन करेंगे तो शादाब खान का प्रदर्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। उसके बाद जेमी निशम की बात करेंगे तो मेरे हिसाब से उतने ज़्यादा अच्छे ऑप्शन नहीं होंगे, सिक्स नंबर पे बैटिंग करने के लिए आएंगे तो इनको हम ट्राई नहीं करेंगे। अब बॉलिंग सेक्शन की बात करेंगे, शाहीन शाह अफरीदी है, उसके बाद हरी सरोफ है, मेरे हिसाब से ये दोनों ही ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, पाकिस्तान की टीम पहले बैटिंग करे या फिर बॉलिंग करे, तो मुझे लगता है दोनों ही ऐसे हो गए जहाँ पे शाहीन शाह अफरीदी को 1 विकेट है, हरी सरोफ को भी 1 विकेट निकाल सकता है और मिल सकता है। उसके बाद टीम सऊदी ट्रेंट बोल्ट, इन दोनों को हमें टीम में ट्राई करना चाहिए। बॉलर्स की अगर बात करेंगे तो न्यूजीलैंड की तरफ से आप देख सकते हैं यहाँ पे टीम सऊदी ट्रेंट बोल्ट कंटिन्यूसली विकेट निकाले, ट्रेंट बोल्ट की बात करेंगे दोनों मैचेस में विकेट नहीं मिला लेकिन उससे पहले 4 विकेट 2 विकेट निकाल चुके हैं। लॉकी फर्ग्यूसन आप देख सकते हैं 1 1 2 3 विकेट निकाले, मतलब कंटिन्यू विकेट निकाले, इस थोड़ी की बात करेंगे ये भी विकेट निकाले, तो हमारे पास एक दोस्तों ऑप्शन ये भी बचता है कि टीम सऊदी को हम ड्रॉप कर सकते हैं, सॉरी टीम सऊदी को नहीं ड्रॉप करेंगे, हम यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट को ड्रॉप करके यहाँ पे लॉकी फर्ग्यूसन को पिक कर सकते हैं अगर हमें थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहिए तो। और लॉकी फर्ग्यूसन को हमें इसलिए लेना चाहिए क्योंकि दोस्तों मुझे ये लग रहा है कि लॉकी फर्ग्यूसन यहाँ पे विकेट निकाल सकते हैं, और वही अगर बात करेंगे ट्रेंट बोल्ट का फॉर्म उतना ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, देखिए बैटिंग पिच है, बैट्समैन को सपोर्ट करेंगे तो पाकिस्तान की टीम अगर पहले बैटिंग करने का डिसीजन लेती है तो ऐसे में दो चीजें होगी, ट्रेंट बोल्ट टीम सऊदी दोनों ओपन करेंगे, हो सकता है कि ट्रेंट बोल्ट को विकेट ना मिले और ये ज्यादा से दो ओवर में ज्यादा से ज्यादा 20 या 25 रन दे दे, तो ऐसे में लॉकी फर्ग्यूसन की बात अगर करेंगे फोर्थ ओवर के बाद आएंगे और हो सकता है कि ये विकेट निकाले। तो दोस्तों हमने क्या किया, जो टीम हमने बनाई है यहाँ पे हमने इफ्तिकार अहमद को ड्रॉप करके बाबर आजम को पिक किया और यहाँ पे साथ ही साथ हमने ट्रेंट बोल्ट को ड्रॉप करके लॉकी फर्ग्यूसन को पिक किया है। आप चाहे तो ट्रेंट बोल्ट को पिक कर सकते हैं लेकिन मैं लॉकी फर्ग्यूसन के साथ जाने वाला हूँ। नीचे में अगर बात करेंगे मोहम्मद वासिम को, ईश सोरी को, नसीम शाह को यहाँ पे हम ड्रॉप करने वाले और नीचे में कोई दोस्तों ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे हम मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, शाहीन शाह अफरीदी इंपॉर्टेंट हो गए, हरीश रऊफ इंपॉर्टेंट हो गए, मोहम्मद वासिम और नसीम शाह दोनों को ड्रॉप करेंगे। ओपनिंग बॉलर्स की बात करेंगे, ट्रेंट बोल्ट टीम सऊदी है, देखिए बॉलर्स को सपोर्ट मिलता है, पिच बैलेंस होती है फिर बॉलिंग पिच होती है तो जो ओपनिंग में बॉलिंग करता है उसको सपोर्ट मिल सकता है। अब ट्रेंट बोल्ट टीम सऊदी दोनों ही ओपन में बॉलिंग करते हैं तो दोनों में से कोई एक बॉलर ऐसा होगा जो ज़्यादा से ज़्यादा रन देगा पहले दो ओवर में या फिर विकेट भी निकाल सकते हैं। और बात अगर करेंगे डेथ बॉलर्स की तो डेथ में लॉकी फर्ग्यूसन आ सकते हैं, साथ ही साथ चौथे ओवर के बाद पांचवा ओवर जो है वो लॉकी फर्ग्यूसन डाल सकते हैं, तो हमें यहाँ पे ये बेनिफिट मिलेगा कि पाकिस्तान की टीम जब डेथ में कोई भी हो, यार आपको पता ही होगा कि डेथ में बैटिंग करना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, अगर यहाँ पे 6 से 7 अगर विकेट पाकिस्तान के चले जाते हैं और फिर यहाँ पे जो 17 ओवर के बाद लॉकी फर्ग्यूसन आते हैं तो लॉकी फर्ग्यूसन 2 विकेट भी निकाल सकते हैं।
पाकिस्तान की बात करेंगे तो शाहीन शाह अफरीदी, हरीश लोक, मोहम्मद वासी में ओपनिंग बॉलिंग कर सकते हैं, हरीश लोक, नसीम शाह डेथ में बॉलिंग कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करें दोस्तों, ये 10 प्लेयर इंपॉर्टेंट हो गए। हमने तो दो प्लेयर पर रिस्क लिया, मैंने आपसे कहा था एक ही प्लेयर पर रिस्क लेना है, लेकिन हमने दो प्लेयर पर रिस्क लिया। सबसे पहले हमने क्या किया दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे जो है वो इफ्तिकार अहमद को ड्रॉप करके बाबर आजम को पिक किया, उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट को ड्रॉप करके लॉकी फर्ग्यूसन को लिया। अगर ये दोनों ही प्लेयर चल गए तो हमारी टीम 100% क्लीन स्वीप कर जाएगी। अब दोस्तों अगर बात करेंगे ग्राइंडी के प्लेयर्स, तो ग्राइंडी का वीडियो जल्दी आएगा, उस वीडियो में मैं आपको ग्राइंडी के 6 टीम्स बनाकर दिखाने वाला हूँ। साथ ही साथ ग्राइंडी का कॉम्बिनेशन किस तरह से बनाना है, कैप्टन वाइस कैप्टन किस तरह से बनाना है, कौन से प्लेयर को ट्राई करना चाहिए, कौन सा प्लेयर कितने पॉइंट दे सकते हैं, सब कुछ हम यहाँ पे ग्राइंडी के वीडियो में कन्वर्सेशन करेंगे, मतलब डिस्कस करने वाले हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करेंगे स्मॉल लीग के लिए, तो शताब खान, ग्लेन फिलिप्स, कॉनवे, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बेस्ट ऑप्शन हो गए। और मेरे हिसाब से मैं कैप्टन जो बनाने वाला हूँ शताब खान को कैप्टन बनाने वाला हूँ, क्योंकि रिस्क तो हमने ऑलरेडी दो लिए हैं, तो ऐसे में दोस्तों मैं कैप्टन शताब खान को बनाऊंगा। वाइस कैप्टन की बात करेंगे तो ग्लेन फिलिप्स अच्छे हो सकते हैं वाइस कैप्टन, लेकिन आपको बता दूं कि न्यूजीलैंड की टीम अगर बैटिंग करने का डिसीजन ले तो आप यहाँ पे ग्लेन फिलिप्स को वाइस कैप्टन बना सकते हैं, या फिर अगर चाहे तो आप शाहीन शाह अफरीदी को वाइस कैप्टन बना सकते हैं। लेकिन मैं दोस्तों मुझे लगता है कि मोहम्मद रिजवान शायद इस मैच में चल सकते हैं, ठीक है, मैं कन्फर्म नहीं हूँ, चल सकते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे जो रिस्क लिया वो मोहम्मद रिजवान पे, मैं आपको टीम का प्रीव्यू दिखा देता हूँ। दोस्तों ये हमारी टीम का प्रीव्यू होगा, इस टीम में हमने इफ्तिकार अहमद को ड्रॉप करके बाबर आजम को पिक किया, और वही अगर बात करेंगे तो आप देख सकते हैं ट्रेंट बोल्ट को ड्रॉप करके लॉकी फर्ग्यूसन को, तो ये हमारा एक और ये यहाँ पे दो रिस्क होने वाला है। साथ ही साथ अगर बात करेंगे तो आप ग्लेन फिलिप्स को वाइस कैप्टन बना सकते हैं, और हमने यहाँ पे मोहम्मद रिजवान को वाइस कैप्टन बनाया। तो देखिए मैच जितना ज़्यादा रिस्की होगा उतने ही ज़्यादा आपको रिस्क लेना होगा। तो दोस्तों ये हमारी फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम में अगर न्यूजीलैंड की टीम बैटिंग करेगी तो टीम में थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, पाकिस्तान की टीम बैटिंग करने का लेती है तो फिर थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है। अब देखिए मैं आपको फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा, मतलब दे दूंगा। लेकिन बात करेंगे माय लव सर्कल ऐप की, तो यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लो कंपटीशन होता है, जीतने के चांसेस काफी ज्यादा हाई होते हैं। एसयूवी कार जीतने का डेली मौका मिलता है, 20% एक्स्ट्रा कैश मिलता है फर्स्ट डिपॉजिट पे, साथ ही साथ 1500 रुपये का वेलकम बोनस मिलता है। माय लव सर्कल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिए, साथ ही साथ फर्स्ट कमेंट पे दिए। अब दोस्तों बात करेंगे टेलीग्राम चैनल की, तो हमेशा की तरह टेलीग्राम चैनल के लिंक कमेंट सेक्शन में दिए, आप जाएंगे फर्स्ट कमेंट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने टेलीग्राम चैनल की लिंक ओपन होगी। दोस्तों लिंक पे क्लिक करके सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप जो बेल का आइकन इस पर क्लिक जरूर करना, ताकि जब भी कोई नया वीडियो सबसे पहले आपको पता चले। मिलता है एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।